आइए हम प्रभु के विषय में, भगवान के विषय में, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, इंट्यूटिवली अंदर से हम सब अनुभव करते हैं कोई ऐसी शक्ति है। वो शक्ति कहाँ है, वो कैसे है, वो कौन है, ये हम जानना चाहते हैं। इसको जानने में गलती क्या होती है कि मन में एक धारणा है, एक विचार है कि भगवान ऐसे होंगे। इस पृथ्वी पर कोई चीज़ हम देखते हैं जो बहुत अच्छी लगती है तो भगवान ऐसे होंगे। अच्छा, वास्तव में क्या है, हम कोई कल्पना ना करें, कोई इमेजिनेशन ना करें, ये मान ले कि भगवान हैं और भगवान अनंत प्रेम करते हैं। अनंत प्रेम करने की का कारण क्या है, उनका यह स्वभाव है, जैसे नमक का स्वभाव है नमकीन स्वाद, ग्लूकोज चीनी गुड़, इसका स्वभाव है मीठा। ऐसे एक एक रचना का स्वभाव है, ऐसे भगवान का स्वभाव है कि इतना ज्ञानमय है, इतना शक्तिमय है कि सब रूपों में स्वयं प्रकट होते हैं, और इतना शांतिमय है कि किसी रूप से उनको कोई घृणा नहीं है, इतने आनंदमय हैं को अज्ञानी ज्ञानी दोनों रूपों में प्रकट होने पर भी उनको कोई तनाव नहीं। कभी मत सोचिए कि भगवान कहते हैं कि हम परम ज्ञानी के रूप में ही हों, अज्ञानी के रूप में न हों। ये भगवान का स्वभाव है, ये जिसको कहते हैं अनंत विनम्रता, अनंत प्रेम। तो हम उस भगवान की अनुभूति कैसे करें, जो उनका स्वभाव है उसी स्वभाव को पकड़िए। हम कैसे उस स्वभाव को पकड़े, सिर से लेकर पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व में एकाग्र हो करके जो भगवान का स्वभाव है अनंत प्रेम। अनंत प्रेम का अर्थ क्या है, कोई चीज़ अच्छी लगे या न लगे हम उसको स्वीकार करेंगे। कोई चीज़ अच्छी हो तभी हम स्वीकार करेंगे, अच्छी ना हो तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो याद रखिए, फिर इसको अनंत प्रेम नहीं कहते हैं। तो भगवान का स्वभाव है अनंत प्रेम। जब उनका स्वभाव है अनंत प्रेम तो याद रखिए, सिर से पैर की उंगली तक ये जिस रूप में है, जैसे भी है, इसको स्वीकार करिए। भगवान का अभिप्राय है कि सब कुछ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए तो भगवान मिल गए। तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो अनुभूति है, इसमें भारीपन लग रहा हो, उस भारीपन से आप घबराइए मत, उसको स्वीकार करिए अच्छे तरीके से। आपको भारीपन लग रहा है, आपको उठने बैठने में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उठने बैठने में आप लोगों की तरह जल्दी से उठना जल्दी से बैठना नहीं कर पाते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपकी हड्डियां ठीक हैं, सब चीज़ ठीक है, लेकिन जैसे लोग तेज़ी से चले जाते हैं आपको नहीं मन करता है। कोई बात नहीं, आप अपनी तरह से चलिए, अपनी तरह से उठिए बैठिए, लेकिन अपनी अनुभूति को आप अपनी अनुभूति की निंदा मत करिए। ये पहला पाठ्यक्रम है। और अपनी जितनी अनुभूतियाँ हैं और भगवान के जितने रूप हैं, सब आपस में मिलते हैं। हम किससे दोस्ती चाहते हैं, पता चला कि महातार बाबा आ गए, एक बार सभी आते हैं, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। महातार बाबा भी आएंगे, लाहड़ी महाशय भी आएंगे, युक्तेश्वर गिरी भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, भगवान राम और कृष्ण भी आएंगे। अगर आप उनको स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई तनाव नहीं, फिर उनका दूसरा रूप आएगा। कंस के रूप में आए, रावण के रूप में आए, किसी रूप में आए, आप किस चीज़ को स्वीकार करते हैं आप चुन लीजिए।
भगवान की ऐसी लीला है, कोई सब रूपों में प्रकट हो गए हैं और आपस में स्वतंत्रता दे दी है कि आप किसको स्वीकार करेंगे। अगर आपको पैगंबर के रूप में अनुभव करना है, भगवान पैगंबर भी हैं, तो अगर पैगंबर के रूप में अनुभव करना है तो निश्चित ही हम स्वीकार करेंगे जीसस क्राइस्ट, मोजेस, लाड़ी महर्षि, महर्षि पतंजलि, कबीर और नानक, जितने भी पैगंबर हुए हैं, किसी को भी ले लीजिए, हम उनके मार्ग पर चलना स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान का अनेक रूप है, हमको ये मिला, हम इसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि अनेक बार, लाखों बार हम प्रयास करके देख लिए, हमने ये स्वीकार किया, वो किया, वो किया, लेकिन लगा कि नहीं, ठीक नहीं है। तो अगर इस जन्म में क्रिया योग ध्यान करने का अवसर मिला है और नहीं करते हैं, और करके आप अपनी संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति नहीं पाते हैं, हो सकता है दोबारा अवसर कई हजार वर्ष तक न मिले। कल्पना करिए कि लहरी महर्षि का साथ हुआ, उनके साथ का पूरी तरह से हमने आदर नहीं किया, उनको स्वीकार नहीं किया, कभी कभी कई हजार वर्ष लग जाते फिर उस क्रम को आने में। जैसे सत्य काल है, ज्ञान की पूर्ण अवस्था, ये चली गई, फिर 24,000 वर्ष के बाद आती है। ऐसे एक चीज़ हाथ से निकल गई तो कभी कभी पकड़ में नहीं आती है। तो जब क्रिया योग ध्यान से संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो जाती हैं जीवन की, जितनी तरह की समस्याएं हैं, तो क्रिया योग ध्यान करने को मिल गया और नहीं करते हैं, तो फिर हो सकता है हजारों वर्ष तक ये मौका न लगे। इसलिए अगर अभ्यास करने का मौका लग गया तो वैज्ञानिक की तरह, मिस्टिकल नहीं, इसको अभ्यास करिए, परखते जाइए। और अभ्यास कैसे करेंगे? सुनते हुए अभ्यास करिए। जैसे हमको कहीं पर जाना है, कहीं पर जाने के लिए कार में बैठते हैं, कार में बैठे ही ले जाते हैं, छोड़ के नहीं। ऐसे जब आपको अभ्यास करना हो तो जो गाइडेड इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आप सुन के करते हैं, उसको सुनते हुए करिए। उसमें जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अच्छी तरह से दिन भर पकड़ते हुए सारा काम करिए। जैसे अगर हम सुनते हैं कि सिर से पैर की उंगली तक अमर तत्व इस रूप में है, आइए अमरता का दर्शन करें, हाथ फैला करके, मोड़ करके, ऊपर नीचे करके, जो भी करते हैं, तो यही अमरता की अनुभूति हम दिन में काम करते ही भी करें। जब हम चल रहे हों, उठ रहे हों, बैठ रहे हों, खाना खा रहे हों, बात कर रहे हों, सोच रहे हों, हर समय हम इस अभ्यास में लगे रहें, ये जरूरी है। तो अगर ये अवसर खो दिए तो संभवतः इस जन्म में दोबारा तो मिलने वाला नहीं। कितना हमने इसको प्रेम किया है क्रिया योग को, उसी के अनुसार अगले जन्म में मिलेगा। अगर इस जन्म में हमने क्रिया का अभ्यास किया और पैगंबर नहीं बन पाए, लेकिन पूरे लगन से हम करते रहे, तो अगले जन्म में तत्काल क्रिया का वातावरण मिलेगा। अगर इस जन्म में क्रिया का अभ्यास में मन नहीं लगा, बस आते जाते रहे, छोड़ दिए, तो अगले जन्म में निश्चित नहीं है कि आपके हाथ लगेगा। इसलिए याद रखिए कि जब कोई अवसर मिले तो उसको अगर छोड़ दिए तो हो सकता है कि कई हजार वर्ष टल जाए। जैसे पूर्ण ज्ञान से मिलन हुआ और ज्ञान को छोड़ दिए, हो सकता है कि हजारों वर्ष लग जाए उसको पकड़ने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं तो वैज्ञानिक की तरह करिए। वैज्ञानिक की तरह करने का अभिप्राय क्या है? करिए और अनुभव करिए। सिर से पैर की उंगली तक अगर अमर तत्व इस रूप में है, तो अमरता गुण है भगवान का। आसमान अमर है तो भगवान ही आसमान हो गए होंगे। हवा अमर है तो भगवान ही हवा हो गए होंगे। पानी अमर है तो भगवान ही पानी हो गए होंगे। जो चीज़ें अमर हैं, ये मान लीजिए कि भगवान उस रूप में हैं और परमाणु सभी अमर हैं,
तो भगवान ही अण परमाणु हो गए। तो सिर से पैर की उंगली तक ये क्या है, अमरता का अनुभूति है। तो इसको अच्छी तरह से करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एकाग्रता बढ़ाना पड़ेगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए कड़ा ढीलापन करना पड़ता है। कड़ापन ढीलापन करने का एक तरीका है, जैसे कर रहे हैं रिचार्जिंग आपने किया, बैठ के अभ्यास किया, फिर लगातार ये नहीं कर सकते हैं। फिर अपने कमरे की सफाई करते हुए, सब चीज़ की सफाई करते हुए, पेड़ों की सेवा करते हुए, मानव की सेवा करते हुए, जितने तरह के अंदर में परिवर्तन प्रकट हो रहे हैं, उन सभी प्रकार के परिवर्तनों की अनुभूति करते जाइए। ये है जरूरी। इस तरह से करके देखिए, आपको ये कर रहे हो और परिणाम नहीं अनुभव हो रहा हो, तो फिर हमसे बात करिए, परिणाम अनुभव कैसे होगा। करते करते अभ्यास करने में आनंद आने लगे, जब अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करते करते ऐसा लगे कि अभ्यास ही परम आनंद है, यहाँ तक पहुँचिए, फिर बताइए कि समस्या गई कि नहीं। अभी क्रिया योग अभ्यास से जुड़ ही नहीं पाए, इसको करने में तनाव हो रहा है, इसको करने का मन नहीं कर रहा है, तो परिणाम कैसे देखेंगे। परिणाम क्या होता है कि संपूर्ण कष्टों से मुक्ति, बीमारी चिंता से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, सब चीज़ से मुक्ति मिल गई। तो तभी होगा ना, जो अभ्यास करते हुए अभ्यास की अनुभूति नित्य नए आनंद के रूप में हो। शत प्रतिशत गारंटी है, सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। जितनी समस्याएं हो, एंडलेस प्रॉब्लम्स, अनगिनत समस्याएं, सभी दूर हो जाती हैं। आप करके देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट।